ट्रैवल गाना लगता है कि ये ट्रैवल का गाना है, फॉर माई लाइफ आई वांटेड टू मेक वन, ये ऐसा है। एक पुराना कवाली है अमीर खुसरो साहब का, बहुत लोगों ने गाया है, तो आई जस्ट पेस्ट इट अप अ लिटिल बिट एंड आज के यू नो जनरेशन के लिए, तो मेरी लिटिल यू नो आज के साउंड के साथ आई टुक टाइम टू अंडरस्टैंड इट, तो गाने में भी बहुत मजा आया जिस लय में हमने तय किया था टेम्पो। एंड देन देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इज अबाउट वन अकॉर्डियन वन मैंडोलिन एंड मी, इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग। मैं अभी आईफा के लिए गया था मड्रिड स्पेन, तो वहाँ पे काफ़ी सुन के इंस्पायर्ड हुआ अकॉर्डियन, और मेरे पिताजी के बैंड में अकॉर्डियन होता था, तो सब मिला जुल के लाइक यू नो आई मेड दिस सॉन्ग। तो फोर सॉन्ग्स देयर बेसिकली। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा अभी फिलहाल? ये सावन पे होगा 2 महीने के लिए, एंड देन उसके बाद हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा, बट आजकल सब डिजिटल ही है क्योंकि सीडी तो है ही नहीं, अब टेप तो कब का चला गया, तो सब डिजिटल ही होता है आजकल। से मैं बनाता है बहुत दिनों से बना रहा था, बहुत दिनों से मैं बना रहा था ये, मुझे आई थिंक इट टुक मी 3 ईयर्स, और 3 साल में आई बीन ट्रैवलिंग, तो मैं इंस्पायर्ड था, मुझे ये देखना था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफ़ी टाइम लिया, और अपने बाकी शोज के बीच में बॉलीवुड सॉन्ग्स के बीच में टाइम निकाल निकाल के जब भी मौका मिलता है अपना गाना बनाने में अच्छा लगता है। पूरे देश भर में इतने म्यूजिशियंस हैं, तो हमें मुझे भी लगता है कि यू नो एक म्यूज़िक का भी सिर्फ इंडस्ट्री हो जो सिर्फ म्यूज़िक बनाइए, नहीं कि सिर्फ फिल्म के लिए ही हो, वैसे भी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जो बाहर देश में देखा जाता है, तो एल्बम बनाते हैं इंडिपेंडेंट खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, तो वो पहले से मैं था भी ऐसा, तो बहुत दिनों बाद किया, सब लोगों ने इंस्पायर किया कि बहुत अच्छा हो रहा है करो। म्यूजिशियंस फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एवरी वन हैज़ कम इन हेल्प मी एनकरेज मी, सो करते करते यहाँ पहुँच। एक्चुअली इस एल्बम में वो मतलब जरूरी नहीं है वो करना है, वो बीच में चला था बहुत, बट अभी जरूरी नहीं, बट मैंने एक गाना किया है जो एक कवाली है, वही मैंने बोला अमीर खुसरो साहब का पुराना कवाली है, और उसको मैंने थोड़ा सा जैज एंड पॉप स्पेस में लाया, और मुझे गाने में बहुत मज़ा आता है उस तरह का गायकी, और मॉडर्न जनरेशन के लोगों के साथ लाना चाहता था सामने, so that's why I did this. दो लाइनें अगर guys last thing because I love taking that. क्या क्या गुनगुनाएं? Any of your composition of this album which you would like to present or give a highlight or peak sneak peek? अब मुश्किल है, अब कौन सा गाना दूँ मैं? कौन सा गाना दूँ अभी मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ from all the way. So I wish him all the best and you know, may his album be successful. Thank you very much, gentlemen. Any memory you want to share? Oh, he's worked with us on a couple of jingles that we did a couple of months ago, and that was really beautiful. He's a lovely human being. I love his music. So wish him all the best. Thank you. चला था मैंने उसको उस time Coke Studio पे पेश किया था, and बहुत interesting voice था, और मुझे clearly याद था, मैंने मेरे wife को कहा था कि बॉलीवुड का नेक्स्ट वॉइस जो है ये कोक स्टूडियो से आएगा, एंड आई एम सो हैप्पी कि पैपॉन है, ही इज बिकम द वॉइस ऑफ बॉलीवुड, एंड आई ऑलवेज विश हिम द बेस्ट, इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, पहले आर्टिस्ट है, ही इज अ लवली सिंगर, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड ही इज आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कौन एक ऐसा सिंगर है जिसकी उसकी वॉइस जो है हम लोग सच्ची बोलते हैं कि हटके वॉइस है, ही इज रियली गॉट दैट काइंड ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस में जो आत्मा है जो सोल है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हर्ड, एंड वो जहाँ से आता है उनकी जो ट्रेनिंग है वो क्लासिकल भी सीखा है और मॉडर्न म्यूजिक भी कर चुका है मिडिवल पंडित्स के साथ और जो भी वो बॉलीवुड में गाता है, तो इसलिए उसकी म्यूजिक एल्बम मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि डिफरेंट एल्बम होगी और सुनने में मजा आएगी। अच्छा, आज की नाइट के बारे में क्या कुछ ब्रीफ किया था पैपॉन ने? सर कुछ ब्रीफिंग नहीं, मुझे सिर्फ कहा कि आप आ सकते हो, मैं कहा कि आई एम डेफिनेटली कमिंग, आई विल नॉट मिस दिस फॉर एनीथिंग। Well, actually, no, I'm just here for Papon and I'd like to wish him best of luck for his album. Okay? I look forward to many more albums from him and of course, I will always be cheering and listening to him. आप लोग आपका काफी लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से, अब हम आपको कहाँ सुन पाएंगे या दिख पाएंगे? मेरा काम चलता रहता है, जैसा कि आपको पता है आजकल का माहौल ऐसा है जिसमें ज्यादातर डिजिटल स्पेस में ही जो भी रिलीजेस हो रही हैं वो हैं, और वो हमारी भी डिजिटल रिलीजेस ही चलती हैं, बल्कि 2003 से
हमने ये कोशिश की है कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और पॉपुलर म्यूजिक के जो भी हमारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हैं वो डिजिटल मीडिया पर ही डालें। थैंक यू सो मच मैडम। एक स्मॉल बाइट आपका यहाँ पर बस आपको सामने देखना है कीजिए और धीरे धीरे करते करते लेफ्ट में जाइए, आंखें हिलाइएगा सिर्फ। हो गया Thank you so much. Do you know Varav? No, yeah. Hi. Varav. Hi. Thanks for coming, sir. Photos and all. Thank you so much. Not at all. We meet in a while. Looking forward to it. Madam, kya yaar ye dhoka hai? I'm very happy to change. It's very new for me. तूने मैं मुझे मिस किया वाह ऐसे अभी लास्ट पिछले हाय गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर कैसे एवरीवन वाज सो एंग्शियस टू स्पीक टू यू रियली यस 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 अच्छा आई लव पेपॉन आई थिंक ही इज सच अमेजिंग आर्टिस्ट हमारे देश में ऐसे आर्टिस्ट जो है ना वो उस लेवल के जो मैं पपॉन के बारे क्या बोलूंगी पपॉन चाहे इंडिया में परफॉर्म करे या कहीं भी दुनिया में परफॉर्म करे चाहे उनको अपने लोग देख रहे हो या गोरे देख रहे हो जो भी देख रहा है एवरीबॉडी विल हैव अ गुड टाइम सब लोग एकदम प्यार से सुनेंगे क्योंकि एक तो उनकी आवाज इतनी सुपर्ब है दूसरा पपॉन इज वेरी वेरी टैलेंटेड तीसरा हिज म्यूजिक हिज म्यूजिशियंस मेरा जो फेवरेट गाना है उसने गाया था कोक स्टूडियो में कुमार एंड उस दिन से मैं तो उसकी फैन बन गई हूँ तो कभी कभी 6 बजे उठ के मैं उसको फोन करती हूँ भाई दो लाइन सुना दे तो मजा आता ही इज अमेजिंग काश हम आते पैपॉन जैसे और लोगों यू आर आल्सो गोइंग टू लाइक परफॉर्म एंड आई हर्ड सम न्यूज़ अबाउट यू कि लाइक आप कुछ फिल्म के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नया कुछ कर रहे हैं ऐसा आई हर्ड नहीं मैं पिछले 3 साल से अभी वर्किंग एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल साइड पे सो आई थिंक मेरी चौथी फिल्म आ रही है लास्ट वन शौकीन्स की थी तो अब आ रहा है मैं बता सकती हूँ अच्छा कपल आ रहे हैं जैसे मूवी कमिंग टिकट टू बॉलीवुड जिसमें मेरी कवाली है तो हार्ड कोर की स्टाइल की कवाली एंड देयर इज अ फ्यू मोर स्टफ थिंग्स हैव कम इन आई हैव डन अ ट्रैक विद शादली सो वो भी आ रही है सो आई थिंक 2017 एकदम अच्छा साल होने वाला स्पेशली सबके लिए आई थिंक एंटरटेनमेंट में सबके लिए अच्छा साल होने वाला बिकॉज क्योंकि अब इंटरनेट आया सब क्लूड अप हो गए हैं सबको सब कुछ अब पता है सब कुछ अवेलेबल है तो अब रियल टैलेंट जो है ना और वो और निकलेगा यू नो विद द पीपल विद द रियल स्किल्स शेरनी है शेरनी है शेरनी है जट्टी उसके अलावा और कोई सिंगल हम एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर ये मैंने एक्चुअली ये सिंगल लॉन्च करना था बट किसी को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना था लेबल्स बिकॉज वो कमर्शियल गाना नहीं है सो वो अपना गर्ल पावर के लिए था लेकिन ऐसा म्यूजिक भी निकालना बहुत जरूरी होता है हमेशा ये नहीं होता कि कितने पैसे कमाएंगे अब एक और पार्टी गाना आ रहा है एकदम नए स्टाइल का सो वो भी साथ साथ करते हैं लेकिन जिन चीजों के लिए जिन चीजों में हमें अंदर से खुशी मिलती है जिस चीजों के लिए हमने शुरू किया था हिप हॉप जो ऑथेंटिक रियल हिप हॉप है वो भी साथ साथ करना जरूरी होता है कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे पपॉन को पपॉन But I love his I love all his stuff like a Papon ki kya bare rap kar song rap kar de koi main iske liye kuch old school special hona chahiye I don't know I can't think of it my mind's gone blank upcoming film ka koi matlab hame bata de jo aapne Mr. Hero Mr. India jo bhi compose जो आपने कोई कंपोज किया और कोई फिल्म के लिए एंड वी वुड लाइक टू गिव अ हाईलाइट ऑफ इट आई कांट सिंग इट फॉर यू लेकिन इट्स कमिंग मैं अभी ज्यादा बता नहीं सकती नहीं तो इट्स नॉट अलाउड ना पहले हम बता नहीं सकते मेरे शेरनी जो आया मैं वो आपके लिए गा सकती हूँ ठीक है